नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में। एलोपेशिया क्यों होता है, हेयर फॉल या एलोपेशिया या गंज रोग, यानी कि आपका बाल झड़ना क्यों होता है, आपके बाल क्यों झड़ते हैं, उसके क्या कारण है, क्या रीज़न है। दोस्तों, चाहे मेल्स हो यानी कि पुरुष, या चाहे फीमेल्स यानी कि महिलाओं में एलोपेशिया क्यों होता है, उनके समय से पहले बाल क्यों झड़ने लग जाते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आज बताऊंगा मैं आपके आपके हेयर फॉल अगर आपको हो रहे हैं, समय से पहले अगर आपके बाल जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, इसके क्या कारण है, क्या साइन और सिम्टम्स है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो आपकी जानकारी के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। अगर कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर आप इसमें राय लें, कंसल्ट करें उनसे और उनसे बात करें कि आपकी ये समस्या है और क्या ये होम्योपैथी मेडिसिन आपके लिए सही है, तो आप इसको ज़रूर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में, और मैं डॉक्टर आर के गौतम आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाला हूँ एलोपेशिया के बारे में, हेयर फॉल क्यों होता है उसके बारे में। तो दोस्तों, हेयर फॉल सबसे पहले जान लेते हैं क्यों होता है। दोस्तों, अगर आपका जरूर से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, ऐसे आपने हाथ लगाया और आपके बाल ऐसे करके हाथ में आ जाते हैं, तो आपको हेयर फॉल की शिकायत है, तो आपको हो सकता है आपको न्यूट्रिशन की कमी हो रही हो, आपको कैल्शियम की कमी हो रही हो, या आपको मल्टी विटामिन मिनरल की कमी हो रही हो। दोस्तों, तो आप अपने टेस्ट ज़रूर करवाएँ, क्या आपको एंटी ऑक्सीडेंट, मल्टी विटामिन या कैल्शियम, इस प्रकार के किसी प्रकार के विटामिन, विटामिन ई, विटामिन ए, इस प्रकार के विटामिन्स मिनरल्स की कहीं कमी तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर किसी प्रकार के विटामिन की, आपको विटामिन ई या ए की कमी होती है, तो भी आपको हेयर फॉल की समस्या दोस्तों हो जाती है। दोस्तों, किसी प्रकार का मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की किसी प्रकार की मानसिक समस्या आपको रहती है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एक होता है जेनेटिक, अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पापा मम्मी या दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार एलोपेशिया से संबंधित कोई समस्या उनको है, उनके भी अगर बाल जरूर समय से पहले चले गए हैं, तो हो सकता है आपके भी समय से पहले, दोस्तों आपके भी बाल समय से पहले जा सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तेल का तला गला मिर्च मसाले वाला नाश्ता, या इस टाइप के चौपाल और चौपाटियों पर आपको ज़्यादा खाना पसंद रहता है, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना पीना होता है, नाश्ता होता है, वो चौपाटियों पर या चौपालों पर या फास्ट फूड, जंक फूड के रूप में होता है, तो उसके कारण आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो घर का बना खाना होता है उसमें न्यूट्रिशन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में वाटर इंटेक सही नहीं रखोगे आप, तो भी आपको एलोपेशिया की दिक्कत हो सकती है। तो आपको भरपूर पानी पीना चाहिए, सुबह से गुनगुना पानी लेना चाहिए, कम से कम 2 से 3 गिलास आपको गुनगुना पानी लेना चाहिए। एक चीज़ और देखते हैं, आजकल जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं, वो हम डेली शैम्पू यूज़ करते हैं, कंटिन्यू रोज़ हम शैम्पू से सिर धोते हैं, वो भी एक गलत तरीका है। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, और 2 ही बार करना चाहिए शैम्पू, ज़्यादा आपको शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो ब्रांड होते हैं उनमें इतना केमिकल का उपयोग किया जाता है कि आपको हेयर फॉल की दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेयर फॉल की आज मैं आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा कि अगर आपको हेयर फॉल होता है तो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, पिछली बार का एक वाक्य है जो मेरे पास, क्योंकि हेयर फॉल के पेशेंट आते रहते हैं, तो उसी से मैंने आज देखा कि यार मुझे आपसे ये वीडियो शेयर करना चाहिए, हेयर फॉल के बारे में ये मेडिसिन शेयर करनी चाहिए। उसको 1 मंथ की होम्योपैथी मेडिसिन दी थी और उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, खिर रहे थे, जबकि उसके परिवार में किसी को जेनेटिक कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति देखने में भी हेल्दी लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको एलोपेशिया की दिक्कत हो गई थी, बाल झड़ने की दिक्कत हो गई थी, जरूर से ज़्यादा उसके बाल झड़ रहे थे। तब मैंने उसको ये होम्योपैथी मेडिसिन दी, तो
जब वो मेरे पास रिटर्न ट्रीटमेंट के लिए आया कि डॉक्टर साहब मेरा बाल झड़ना बंद हो गए हैं, पूरी तरह रुक गए हैं, दोस्तों जब वो पेशेंट मेरे पास दोबारा दिखाने के लिए आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि उसका एलोपेशिया रुक गया है और अब वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो उसने दोस्तों मुझसे पूछा कि कितना समय डॉक्टर साहब मेरे को ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो मैंने उसको 3 से 6 महीने का डोज बताया है दोस्तों। तो 3 से 6 महीने अगर वो पेशेंट कंटिन्यू एलोपेशिया का ट्रीटमेंट लेता है तो दोस्तों उसके बाल झड़ना तो बंद हो ही जाएंगे, लेकिन अगर उसके हेयर फॉल में जान होगी तो हो सकता है रीग्रोथ भी जनरेट हो जाए। तो दोस्तों होता है, होम्योपैथी मेडिसिन में चमत्कार होते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन से जो पेशेंट ठीक नहीं होता है वो पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि हम होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए होम्योपैथी पर ट्रस्ट करते हैं। होम्योपैथी से संबंधित जो वीडियो लाते हैं वो हमारे पेशेंट को हम मेडिसिन देने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद आप तक शेयर करते हैं दोस्तों। तो मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पेशेंट आके ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम किया है, हमारा हेयर फॉल रुक गया है और ठीक हो गए हैं आज हम, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इस टाइप के अगर कोई पेशेंट हमें आकर प्रोत्साहित करते हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते हैं तो हमें और इच्छा होती है कि हम इस टाइप की जानकारी आप तक और पहुँचाएँ। तो दोस्तों इसी तरह हम वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, समय निकालना पड़ता है, काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन जो मैंने उस व्यक्ति को दी थी वो मेडिसिन है मेरे हाथ में R89। दोस्तों ये R89 जो ड्रॉप होता है इसको आपको इसमें दिया हुआ है 15 से 20 बूंद सुबह, आधे कप गुनगुने पानी में या ठंडा पानी में भी ले सकते हो आपको सुबह, और आधे कप गुनगुने पानी में दोपहर, इसी तरह आपको रात को, यानी कि 3 से 4 बार आप 15 से 20 ड्रॉप कंटिन्यू आप 3 से 6 मंथ आप रखेंगे तो देखेंगे कि आपका हेयर फॉल एलोपेशिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो आती है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 की 2-2 ड्रॉप आपको डायरेक्टली टंग के ऊपर लेनी है दोस्तों, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद एक और होम्योपैथी मेडिसिन आती है एसिड हाइड्रोफ्लोर 30, इसको भी आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेनी है। ये तीनों होम्योपैथी मेडिसिन आप दोस्तों कंटिन्यू 3 से 6 मंथ आप रखते हैं तो आपका एलोपेशिया ठीक हो जाएगा, हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये दिक्कत हुई हो आपको, या मानसिक तनाव, बेचैनी या एंजाइटी डिप्रेशन के कारण इस टाइप की समस्या होती है। क्योंकि जब दोस्तों हमें डिप्रेशन, मानसिक तनाव या किसी प्रकार का टेंशन है तो जो फॉलिकल्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण हमें है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अभी तक भी आपने प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरह अपना प्यार, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह अपना प्यार हम पर बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।